हैं, वो आदमी मेरे को हाथ छोड़ के जा रहा है। हाथ छोड़ने का पुलिस वाले को तो अधिकार नहीं है भाई साहब, वहां जाके बात कर रहा हूँ। चला इधर आ, इधर आ, बताना रसीद। काहे की रसीद, कितनी होगी उसकी रसीद? 28,000 पास। चाबी कहाँ गाड़ी की करी? गाड़ी की चाबी मेरे पास है। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ड्राइवर ने सिर पर उठाई चेक पोस्ट, कर्मियों के हलक से निकलवाए पैसे। दोस्तों ये वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो दृश्य दिख रहे हैं ये एक चेक पोस्ट की है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के एक चेक पोस्ट की। कौन सी है ये चेक पोस्ट, ये भी आपको बता देते हैं। जिला रीवा चाक घाट की ये चेक पोस्ट है, और चेक पोस्ट पर क्या हो रहा है आप खुद ही देखिए। वो आदमी मेरे को हाथ छोड़ के जा रहा है। जो कोई बात हो गया आपकी, आप प्यार से बात करो ना हमसे। अरे मैं गाड़ी नहीं भगा के पर्ची कटवा के आया हूँ, मैं गाड़ी खुद ही भगा रहा हूँ। कोई गाड़ी भगा रहा हूँ कि मैं जम से यहाँ से? अरे तो आप हाथ कैसा छोड़ रहे हो ये बताइए। हाथ छोड़ने का पुलिस वाले को तो अधिकार नहीं है भाई साहब। अरे सबरे बाहर जाओ, बजाओ सबरे, बाहर सबरे आओ, बाहर आ जाओ, बाकी बुलाओ सबको, सबको बुलाओ। मेरे घर के आदमी है, घर के आदमी मेरे। पुलिस वाले को तो, पुलिस वाले को तो अधिकार नहीं है हमारे ऊपर हाथ छोड़ने का। हमारे ऊपर पुलिस वाले तो नहीं छोड़ सकते। बजा बाहर जाओ सबरे, बाहर जाओ सबरे, आ जाओ गेट पास के बाद, नहीं बाहर जाओ सबरे। भैया जी जाओ सबरे, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ। हाथ हाथ कैसे छोड़ रहे तुम, हाथ कैसे छोड़ रहे हमको ये बताइए। चलान कर दो तुम, कोई दिक्कत नहीं हमको, चलान करो, कुछ भी करो, जितना का चलान ठोक रहा ठोक लो ऑनलाइन। हाथ कैसे छोड़ रहे तुम, ये हाथ छोड़ रहे मेरे ऊपर, हाथ कोई छोड़ता है क्या? हाथ कैसे छोड़े यार, हाथ मेरे ऊपर कैसे मारे यहाँ पे? नहीं तो मारे कैसा यार आपने यार मेरे को, यार ये बताइए पहले। मतलब अकेला आदमी देख के घबरा रहे क्या? यहाँ कोई एक दिन खुद ही जाता हूँ मैं, डेली गाड़ी जाती है मेरी यहाँ। हाथ छोड़ रहे यार आप भाई साहब, आपने हाथ लगाए हमको, आ जाओ ना तो फिर बाहर आने यार, बाहर आ जाओ सबरे अंदर आओ, बाहर आ जाओ। ये भाई साहब ने मेरे ऊपर हाथ छोड़ रहे, ठीक है ठीक है, मैं वहाँ बात कर रहा हूँ ना, जाके वहाँ जाके बात कर रहा हूँ। चलिए चलते रहे मोबाइल, हाँ चलिए मोबाइल, हाँ चल, हाँ चला इधर आ, इधर आ। देख और सुन तो लिया ही आपने कि हुआ क्या और कैसे हो रहा है ड्राइवर के साथ, ये भी आप देखिए। चेक पोस्ट के कर्मियों ने किस तरह से ड्राइवर को लताड़ा, गाली गलौज की, जबकि ड्राइवर बार बार कह रहा है कि ये मेरी अपनी गाड़ी है, परिवार मेरे साथ है, जाने दीजिए, अगर आपको करना ही है तो चालान कर दीजिए, लेकिन फालतू में तंग मत कीजिए, परेशान मत कीजिए। जी हाँ, ड्राइवर के आरोप है कि यहाँ पर उनके साथ हाथापाई हुई है। दोस्तों ऐसी हाथापाई और चालान से बचने के लिए अपने कागज पूरे रखिए और अपने साथ रखिए इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस करवाइए ट्रांसपोर्ट मॉल से 9831 9831 पर। अब यहाँ जो जो ड्राइवर के साथ हुआ वो वीडियो में तो दिख रहा है। यहाँ चेक पोस्ट पर रोड पर खड़े होकर ड्राइवर किस तरह से कर्मियों से बहस कर रहा है ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ड्राइवर इनके आगे झुका नहीं। वो बार बार कहता रहा कि आप चालान कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपकी फालतू बात सुनने वाला नहीं हूँ। थोड़ी देर वीडियो में देखने के बाद एक स्क्रीन आती है जहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये साफ नजर आ रहा है कि ड्राइवर और कर्मी के बीच बातचीत हो रही है। क्या बातचीत हो रही है ये भी सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस तरह से ड्राइवर को यहाँ गालियां दी जा रही है ये सुनने वाली बात है। फूल का है, नहाने के फूल जो मृत्यु वाला है ना सर, आना सर, बिना रब पूजा कर जो का फूल रोज जो खत्म हो जाता है ना, उसका फूल लेके जाते हैं ना, वो है सर, कोई गलत चीज़ नहीं है, रत्तू वाले हैं वो, कोई गलत खुद ही लेके जा रहे हैं, कोई गलत कुछ कोई चीज़ लेके जा रहे हैं सर, आदमी जो रत्तू लेके जा रहे हैं ना सर, गाय कोई की नहीं है, फैमिली सर है, फैमिली वाले हैं, कोई दूसरे भी रहे तो कोई बात दूसरी, घर की गाड़ी सर, सर हाँ माल ढोलता मैं डेली, अभी 8 तारीख की यहीं से निकल के गया सर, 8 तारीख को सर शिमला लेके यहीं से गया हूँ मैं, 8 तारीख को कटाना रसीद कटवाया था ना सर, अरे रसीद तो कटाया ना सर, मैं रसीद तो कटवा रहा हूँ, काहे की रसीद कटवा सर, बैठा उसकी रसीद, उसकी रसीद क्या होगी, कितनी होगी उसकी रसीद? 200 दे के गया था, हाँ सर 200 ही देख लिया था, पैसे उठा उसको, उठा पैसे, कुछ नहीं तो मोबाइल सर, नई गाड़ी है सर, नई गाड़ी है, चाबी कहाँ गाड़ी की करी? गाड़ी की चाबी मेरे पास है, चाबी दे सर, गाड़ी की चाबी की, गाड़ी में बैठूंगा ना सर, चाबी दे, गाड़ी को लॉक नहीं, चाबी दे पहले, नहीं सर गाड़ी की चाबी, गाड़ी की चाबी कहाँ सर, गाड़ी की चाबी
जी सर, गाड़ी की चाबी कहाँ है? गाड़ी की चाबी क्यों सर? इसको निकालो बाहर जरा, चाबी दे भाई। नहीं तो गाड़ी की चाबी क्यों सर? बाहर आ पहले। गाड़ी की चाबी क्यों कह रहा है? सुना आपने किस तरह से ड्राइवर की आवाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो घबराया हुआ है। यहाँ पर उससे 200 रुपए लिए गए थे, वो 200 रुपए लौटाए गए हैं, ये सुनाई दे रहा है। और उसके बाद पर्ची कटवाने की बात हो रही है, 28,000 रुपए की पर्ची। अब ये कैसी पर्ची है? अगर पर्ची ही काटी जाती है तो ये 200 रुपए किस बात के लिए गए थे? ड्राइवर जब अपनी बात पर अड़ा रहा, नहीं माना तो उससे चाबी छीनने की बात की, और जब चाबी लेने की बात हुई तो आप ड्राइवर की आवाज से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो यहाँ पर कितना घबराया हुआ है। दांत पीसते हुए गालियां दी जा रही हैं ड्राइवर को। जी हाँ, चेक पोस्ट पर, वो चेक पोस्ट जिनको बंद किए जाने की बात बार बार चल रही है, आवाज उठ रही है। आखिर प्रशासन और सरकार क्यों नहीं बंद कर रहे, ये एक सवाल उठता है। इस तरह की खबर और इस तरह की वीडियो सामने आने के बाद इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये बड़ा सवाल है। 15 तारीख की कुछ ऐसी घटना हुई है चेक पोस्ट पे, और वहाँ पे गया, 200 रुपए की पर्ची कटवाया और वहाँ पे जो गार्ड था उसको दिया, बोले नहीं, बोले तेरे पास सवारी है, बोले 200 रुपए की पर्ची क्यों कटवाया तूने, बोले। मैंने बोला सर कितने की कटती है, बोले कुछ नहीं, तू साहब पास जाओ, लाइसेंस लेके आओ आपका और वो गाड़ी के कागज लेके आओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा लाइसेंस मेरा मोबाइल में उसको दिखा रहा था, मोबाइल दिखाया था, तो मोबाइल को ले जा लिया उसने। तो ठीक है भाई, मैं गया उनके पास, सर के पास। मैंने बोला आप मेरा मोबाइल दीजिए पहले, तो उनने मेरा मोबाइल दे दिए। फिर मैंने बोला आपको सर कि मेरा गाड़ी का कागज चुके है, नई गाड़ी है मेरी, गाड़ी का पूरा वो कागज चुके है। बोले नहीं, बोले आपने सवारी बिठा रहे हो, 28,000 का चलान करूँगा मैं, ये वो कोट वोट लेके वो थाने लेके जाऊँगा मैं। तो मैंने बोला भाई कोई बात नहीं, आप मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को बताइए कि कितना के क्या होगा, तो मैं हिसाब से मतलब कर दूंगा। बोले नहीं, बोले। और इसके बाद मैं आ गया वापस, तो एक गार्ड था जो आया मेरे को लेके आ गया वहाँ से। बोले नहीं तो आप, वो सर बोलने लगे आप दूर चले जाओ। मैं उनसे सर से बात कर रहा था, एक गार्ड ने मेरे को खींच लिया, मतलब खींचा मेरे को। भाई मैंने उसको बोला भाई खींच क्यों रहा है, मैं साफ से बात कर रहा हूँ ना। मैंने वो, उसने मेरे को हाथ उठा दिया, तो फिर इसने मैंने वो मालिक का मतलब पीडो खोल लिया। उसको बोला भाई कि मेरे को कि मतलब किसी हाथ उठाने का गलत बात ही है आपकी, ये हाथ उठा रहे हैं आप, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले तेरी गाड़ी की चाबी दे। बोले मेरी गाड़ी की चाबी तो नहीं मिलेगी, आप कागज लो, कागज देखो, मेरे को उससे मतलब नहीं, गाड़ी की चाबी नहीं मिलेगी आपको। तो वो आया, मेरी गाड़ी की चाबी खींच दिया और गाली गलौज बकने लगा। मेरे साथ जो आए थे उनको भी गाली बका, कुछ महिलाएं भी थी उनके साथ भी गाली बका। तो भाई ऐसा कुछ हुआ, उसने मारा पीटी भी की मेरे साथ। तो इसका फिर रीजन ये निकला कि फिर उसने मेरे को फिर बाद में जब भाई बाद में जब बोला कि 1,000 रुपये की पर्ची काट के दे रहा हूँ, 5,000 की पर्ची काट के दे रहा हूँ। मैंने बोला सर 5,000 की तो मैं पर्ची नहीं कटवाऊँगा, मेरा जो भी है तो मैं मतलब कि मैंने सवारी गाड़ी बैठा रहा हूँ, तो आप मेरा ऑनलाइन चलान कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, 5,000 की मैं यहाँ से पर्ची नहीं कटवाऊँगा। तो फिर ठीक है, बोले तू यहीं रह, थाना लेके जाएंगे तेरे को। इसने बहसबाजी करने लगा, तो फिर वो उसने, फिर मैंने बोला कि गाड़ी की चाबी तो नहीं दूंगा। गाड़ी की चाबी के लिए बहुत जिद हुआ, वो गेट खोल के अंदर आ गया, गाड़ी की चाबी ले जा लिया फिर मेरी। फिर मैं गया, मेरी गाड़ी की चाबी दो कह के। फिर इसके बाद क्या हुआ भाई कि इसने फिर मेरे को 1,000 रुपये की ये पर्ची काट के दिया, ये वाली पर्ची, 1,000 रुपये की पर्ची काट के दिया भाई। और फिर इसके बाद मेरे को छोड़ा उसने, मेरा मोबाइल भी तोड़ दिए, और साथ में महिलाएं थी उनको भी गाली गलौज बके इनने, मेरे साथ जो गई थी। ऐसा कुछ हुआ भाई, तो मैं कहता हूँ भाई कि अपने साथ किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, और सभी भाइयों को ये दिखाएं। ठीक है भाई, राम राम। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर ड्राइवर ने हमें बताया कि आखिरकार उससे 1200 रुपए लिए गए, उसके बाद इसे यहाँ से जाने दिया गया। आखिर ये हो क्या रहा है, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम पसंद आ रहा हो तो आप हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं। सुपर थैंक्स कैसे देना है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।